even get to cross. मेरा नाम है प्रिंस। तो कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है स्ट्रेचिंग के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैं स्ट्रेचिंग के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो गाइस, स्ट्रेचिंग एक बहुत जरूरी पार्ट है अपने मसल को ग्रो करने के लिए, रिकवर करने के लिए, उसको एक अच्छी शेप देने के लिए। इस वीडियो में आपको बताता हूँ बिटवीन द सेट्स आपको कैसे कैसे आपकी चेस्ट को या आपके बैक को, आपके बाइसेप्स को, आपके शोल्डर्स को, आपके लेग्स को कैसे कैसे स्ट्रेच करना है ताकि वो अच्छी रिकवर हो, अच्छे तरीके से उसको पंप मिले, अच्छा उसमें ब्लड फ्लो हो, ताकि वो मसल आपका जल्दी से जल्दी गेन हो और जल्दी से जल्दी उसमें स्ट्रेंथ गेन हो और आप उसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के साथ उसमें वर्कआउट कर सके और जल्दी से जल्दी वो रिकवर भी हो। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ सबसे पहले कि चेस्ट की क्या तो स्ट्रेचिंग होती है बिटवीन द सेट्स करते हैं। तो राइट, जैसे आपने चेस्ट करी, हमने फ्लैट बेंच करी या आपने फ्लाइट करी, बटरफ्लाई करी, तो उसमें आपने चेस्ट की जो ये मसल है, पेक्टोरल मसल, उसको स्ट्रेच कैसे करना है। लाइक उसी मशीन पे आप ऐसे रखोगे, बार्ड पे, स्टेशन पे आप ऐसे रखो, होल्ड ऐसे रखो और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करो आगे की तरफ, तो पूरी चेस्ट खींचेगी। दूसरे पार्ट में आप हाथ ऐसे रखो, ये इसे कहते हैं, इसे तलवा कहते हैं, इसको तो ऐसे यहाँ रखो, फिर उसको खींचो, ये पूरा मसल यहाँ से खींचेगा, ठीक है। और दूसरी उसमें होगा, आप फिर तलवे ऐसे हाथ ऐसे रखो, उसको थोड़ी देर रखना, उसमें पैर नीचे रखना। इससे क्या है, आपकी चेस्ट को अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। अगर आप अगले एक्सरसाइज करोगे उसमें आप मोर रैप मार सकते हो, आपकी स्ट्रेच भी गेन होती है और वो आपके मसल को अच्छी शेप देती है। जिसकी चेस्ट अच्छी होती है ना, उसकी चेस्ट धीरे धीरे टाइट होना स्टार्ट होता है, और जिसकी चेस्ट में इम्बैलेंस होता है, लाइक उसकी चेस्ट छोटी होती है, बड़ी होती है, तो वो भी इसमें ठीक हो जाता है। और तीसरा जो उसमें आपने करना है, ऐसे हाथ करना और बॉडी को ऊपर लेके जाना, उसको नीचे लेके आना, फिर बॉडी को ऊपर लेके जाना। तो ये तीन वेरिएशन है चेस्ट में, आप इसको कर सकते हो। तो अगले में आपको बैक लिफ्ट आता है। जैसे बैक आपने थोड़ी बड़ी कर लेते हो, वेट एपर बैक कर लेते हो, उसके लिए लैट्स को खींचना बहुत जरूरी होता है। लाइक आपने चिनअप्स करे या आपने वो वन आर्म रोइंग करी, आपने सेटेड रोइंग करी, तो आपने लैट्स कैसे खींचनी है, वही इसमें भी तलवे का रोल है। इसमें हाथ पाम होता है, पाम से आपने यहाँ रखा और इस हाथ से आपने खींचा, तो आपकी लेफ्ट हैंड वाली लैट्स खींचेगी। इसको होल्ड लेकर रखना है 5 से 10 सेकेंड, फिर उसको खींचना है। फिर हम दूसरा रखा, राइट हैंड रखा, राइट हैंड से अपनी लैट को होल्ड करके रखना है, तो 4 से 5 बार करना है। और दूसरी वेरिएशन इसमें ऐसे हो जाएगी, ये भी आपके लैट्स के लिए, तो अपने हाथ एक ऐसे रखना है, पैर दोनों ऐसे, तो अपने अंदर की तरफ लेके जाना, फिर बाहर, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर। इससे आपके लैट्स ग्रो होंगे, आपके लैट्स में और वॉल्यूम आएगी और आप एक वी टाइपर बैक बहुत आसानी से पा सकते हो और आप हैवी से हैवी वेट में जा सकते हो, ताकि आप स्ट्रेच भी करो, आपकी बैक लंबी भी हो। इसकी सबसे बढ़िया बात रहती है, आपकी बैक पर स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते और आपकी बैक दिन ब दिन इंप्रूव होती जाती है। सो ये वीडियो में आपको दो चीजें मैंने बताई, एक चेस्ट की स्ट्रेचिंग के बारे में और एक बैक की स्ट्रेचिंग के बारे में। बिटवीन द सेट्स आप जरूर करना, आपको 110% मैं कहता हूँ कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, आपकी उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी एक चेस्ट में या बैक की आप स्ट्रेचिंग करोगे उसमें एक आपकी नई आपको शेप देखने को मिल जाएगी, आपकी शेप बननी चालू हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर करना। और कमेंट में कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है नीचे लिखना, उसमें कुछ पूछ सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो नेक्स्ट वीडियो में